और ये जो आपको व्यू नजर आ रहा है ये आजाद कश्मीर है, वो जम्मू कश्मीर है, और ये LOC मीन के वो इंडिया साइड है और ये पाकिस्तान साइड है। तो जी हमने बाहर उतार दिया था, तो अब मेन शहर में आ चुके हैं मुजफ्फराबाद के। तो अब रिक्शा ले लिया है और अड्डे पर जा रहे हैं, वहाँ से आठ मुकाम के लिए गाड़ी पकड़नी है, तो चलते हैं। तो जी फाइनली मुजफ्फराबाद के अड्डे पर पहुँच गए हैं। ये मेन अड्डा और अभी इधर कोस्टल पर बैठने लगे, सामान ऊपर रखते हैं और चलते हैं आगे आठ मुकाम या क्या। अब देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं हो रहा। ओ भाई यहाँ पे सरकारी किराया होता, जाती नहीं होगी। तो जी फ्रूट्स खाने का दिल कर रहा था, कोई माल्टा खा रहा, मैं केले खा रहा हूँ। क्या केले खा रहे हो? क्या क्या आप बोले? मैंने कहा केले खा रहे हो ना। हाँ बिल्कुल। तो गाड़ी की टिकट्स बुक हो चुकी हैं, तो अब चलते हैं, सोचा है फ्रूट्स खा लें, खाना वहाँ जाकर खाएं। कहाँ से खाना खाते हैं? कैरन। कैरन से चलकर खाना खाते हैं। अब हम जा रहे हैं कैरन जा रहे हैं। अब हम जी कैरन जा रहे हैं। फाइनली फैसला नहीं हो सका था, अब कर लिया। मैं चाह रहा था आगे कहाँ, शादरा, शारदा, शारदा, वो तो लाहौर वाले हिस्से का नाम ले रहा था, शादरा, वही एग्जैक्ट मैं कहना चाह रहा था। तो बस अब वहाँ पर चलते हैं, उम्मीद है कि जल्दी पहुँच जाएंगे। अभी गाड़ी भी छत लग चुकी है और अपना मैं सामान छत पर बांधूंगा, उम्मीद है कि बारिश वारिश से बच जाएगा। और फिलहाल चलते हैं, बारिश का मौसम तो है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। उसे कहेंगे ना कि यार नीचे रख रहे थे, यहाँ ऊपर तरपाल वगैरह डाले। आप जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, इस्लामाबाद से सीधा मुजफ्फराबाद आते हैं, तो ये आपको अड्डे पर उतारते हैं, ये बसेज अड्डा, और यहाँ पर आपको वो कोस्टर्स ये रही और कोच वगैरह मिल जाती है। तो इनकी मुख्तलिफ प्राइस होती है, यहाँ पर आप जाना चाहें, प्राइस कह रहा हूँ, इनकी मुख्तलिफ प्राइस होती है, आप जहाँ पर जाना चाहें, मिसाल दे आठ मुकाम, कैरन, केल, अड़न केल, ये वो शाह, इस तरह मतलब कि मुख्तलिफ जो भी मुकामात हैं वहाँ पर चलते हैं। तो अभी हम भी जाते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो जी फाइनली गाड़ी चल पड़ी है, अब चलते हैं। चलो भाई चलो, तो जी फिलहाल अभी रुके हैं होटल पर, हमने सोचा है कि कैरन पे जाकर सीधा सोएंगे, और फिलहाल अभी यहाँ से खाना खाते हैं। और अभी फैसला हो चुका है, भाई लोगों ने खाना है जी कटा, और मैं खाऊंगा सब्जी। तो जी खाना आ चुका है, खाना स्टार्ट कर चुका है, खाने के मामले में ना बहुत और आ चुकी है सब्जी, दाल समझ नहीं लग रहा है क्या, लेकिन टेस्ट चेक करते हैं। तो जी अभी सोकर उठाऊं मैं, तो सारे रास्ते सोता आया हूँ, शान भाई के साथ बातचीत हो रही थी, तो अभी सारी गेम ही पलट गई है, वो परमिशन का कोई मसला बन गया, आर्मी वालों ने रोक लिया हमें, तो हमें नीचे ही रुकना पड़ रहा है। तो वो कह रहे हैं अगर मौसम साफ होगा तो देन आप आगे निकल सकेंगे। तो अभी 11 बज रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम होटल्स सारे बंद पड़े हुए हैं, और हम रोड पे यूं करके खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या करें। अब देखते हैं कब तक हमें अब रूम वगैरह मिलता है। नहीं वाला कीड़ा आ गया इसमें। तो जी फाइनली हमने रूम हासिल कर लिया, ऑल्दो जितनी सोचा था उतना LOC, तो लेकिन उतनी सर्दी नहीं है। देखे मैंने नॉर्मल टी शर्ट पहनी हुई है बैठा हुआ, लेकिन अब रात को हो जाएगी, जिसकी वजह से हमने कंबल वम्बल ले लिए। तो लेकिन ऑल्दो सर्दी लगने की ना वजह मेन ये है कि उन्होंने हमें रोक लिया और ऊपर नहीं जाने देंगे, यहाँ से ही हम वापस जा सकते हैं, और यहाँ पर कोई स्नोफॉल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हालत खस्ता हो चुकी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ और जुगाड़ लगाते हैं ताकि स्नोफॉल के साथ मज़े कर सके और इंजॉय कर सके। तो जी मैं आपको रूम से व्यू दिखा दूँ कुछ किस तरह का। ये जो आपको सामने लाइटिंग वाइटिंग नज़र आ रही है, ये वाली ये सामने इंडियन साइड है, वो रही सामने, ये उनकी चेक पोस्ट है,
ये LOC का सीन है कुछ इसका, कह रहे हैं कि सुबह का व्यू बहुत मजे का होता है तो सुबह का दिखाएंगे। अभी जी मुझे उठाया गया शान की बदौलत, मुझे इसने 2 घंटे लगकर उठाया और हनीफ ने भी, मैं सो रहा था क्योंकि मैं 2 दिन से लगातार ट्रैवल करता था, लेकिन बाहर का व्यू चेक करो, अरे बड़ा बाहर जाके दिखा ना, दिखा यहाँ पे क्या व्यू है। और ये जो आपको व्यू नजर आ रहा है ये आजाद कश्मीर है, वो जम्मू कश्मीर है, और ये LOC मीन के वो इंडिया साइड है और ये पाकिस्तान साइड है। कमाल का व्यू नजर आ रहा है। मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है आप सबके। तो फिलहाल पहली दफ़ा कश्मीर में आया हूँ और सुबह सुबह उठे हैं, ये मेरे पार्टनर है, ट्रैवल पार्टनर हनीफ भाई, जिनका जिन्होंने हमें वेट करवाया, आप पिछली वीडियोस में देख ही चुके होंगे। तो हल्की हल्की बारिश हो रही, जो व्यू है उसका क्या कहना, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये सामने इंडिया है और ये दरिया बह रहा है नीलम, और इसका नीले नीले पानी का अलहदा ही व्यू है, और ये समझ लें LOC है। ये भाई हैं दानिश भाई जिनके पास हम स्टे कर रहे थे। तो जी अब करने लगे हैं नाश्ता और हम तैयार हो चुके हैं। मैंने भी मुँह धोया, सब ने मुँह धोया क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर का बहुत फ़र्क है। वहाँ पर तो गांव में अमूमन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, अब हमने बारिश भी हो रही है और मैंने अम्ब्रेला निकाल लिया, अम्ब्रेला लेकर चलते हैं। तो जी बाकी हमने सारा सामान अंदर रख लिया, अब लगाने लगे हैं ताला, और एक बैग में हमने छोटी छोटी चीज़ें अपनी रख ली हैं ताकि हमें रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना पेश आए। और फिलहाल मैंने अम्ब्रेला ले लिया, बाकियों के जितने भी है वो वाटरप्रूफ है, ऑल द वाटरप्रूफ तो मेरा है, लेकिन मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो मुझे मोबाइल की वजह से ये साथ अम्ब्रेला लेकर जानी पड़ रही है। और अब हम नाश्ता करने के लिए चल रहे हैं, तो बस चलते हैं। तो जी फाइनली हमने अपने सफर का कर दिया है आगाज। वो जी देखे माशाल्लाह कितना प्यारा सीन है केरल में नीलम वैली का। और आल्दो यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है, इस तरह के टेम्परेचर के आदि तो नहीं है, हाथ कांप ही जा रहे हैं क्योंकि ग्लव्स दूसरे हैं, आल्दो दूसरे भी ग्लव्स हैं वो यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल से वीडियो बनानी है तो इस वजह से ऐसे ग्लव्स की जरूरत पड़ रही है। और पीछे सारे लगे हुए अपने अपने कामों को, उम्मीद है कि मज़ा आएगा। और ठंड के तो फिर क्या ही कहने, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और अब चलते हैं नाश्ते पॉइंट की तरफ।